उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग जेएनएम एएनएम पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2023 ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड कर दी है, चाहे वो फॉर्म के रिगार्डिंग हो और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हो, गवर्नमेंट फीस के रिगार्डिंग हो। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट के कि सर हमें सीट्स के रिगार्डिंग बता दो कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितनी वहाँ पे सीटें हैं, कैटेगरीज वाइज ये मेंशन करो। ध्यान देना स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड कर दी है लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, काफ़ी कम ही स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप में ज्वाइन किया है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। एज योर विश स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, व्यूज़ देखो ना देखो आपकी मर्जी स्टूडेंट, लेकिन मेरा काम है आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर अभी आप मेरे साथ ऐड नहीं होंगे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, ध्यान देना स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उन स्टूडेंट से रिकमेंड करूंगा जो बेल आइकन रहता है उसे पर्सनलाइजेशन ऑन कर लेना। फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि सर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे प्रोवाइड नहीं हुई है, मुझे लेट में प्रोवाइड हुई। मैं बार बार आप स्टूडेंट को कह रहा हूँ, फिर मुझे बाद में ब्लेम मत करना स्टूडेंट, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैंने ग्रुप बना दिया है, ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, मैं बार बार आपको वीडियोस में कह रहा हूँ। और अगर आपको ग्रुप में जुड़ने में प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर लेना, मैं वहाँ पर उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की। एक चीज़ माइंडसेट में ध्यान रखना स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट आपको 50 नंबर मिनिमम यहाँ पे लाना होगा। मैं बार बार प्रत्येक वीडियोज में कह रहा हूँ 50 नंबर आपके मिनिमम यहाँ पे एलिजिबिलिटी है क्वालिफाई करने के लिए। जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आप जब दोगे तो 50 नंबर आपको लाना पड़ेगा स्टूडेंट। काफ़ी कम टाइम आपके पास रह चुका है, मुश्किल से 20-22 दिन आपके पास है, आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करें, मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस की। बीएससी नर्सिंग में स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो देहरादून में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आपका रहने वाला, टोटल सीट यहाँ पे बात करते हैं तो 66 सीटें यहाँ पे रहने वाली है। ध्यान देना स्टूडेंट, वीडियो काफी लॉन्ग होने वाली है, इसी वीडियो में बीएससी नर्सिंग जेएनएम एएनएम पैरामेडिकल के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा। आने वाले दिनों में जब भी मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा तो मैं चारों जो कोर्सेस है उसी वीडियो में कवर करूंगा। इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट वीडियोस को पूरा देखा करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं स्टूडेंट। इसलिए काफी स्टूडेंट क्या होता है बीच में वीडियोस देख लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। एज यूर विश स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही बेनिफिट है, नहीं करोगे तो आपको उसका बेनिफिट या लॉस बाद में पता चल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट जनरल सीट की। 35 सीटें यहाँ पे जनरल की रहने वाली, एससी की 14 सीटें, ओबीसी की 9 सीटें, एसटी की 2 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सीटें नहीं बताऊंगा स्टूडेंट क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने वाली है। आगे आने वाले दिनों में मैं फुल डिस्कस करूंगी ये सीटें किस प्रकार से डिवाइड होती है, किस प्रकार से आपको सीटें मिलती है, जनरल के सीट के अंतर्गत कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं, एससी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ओबीसी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और एसटी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसके रिगार्डिंग में आने वाले दिनों में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप गवर्नमेंट सीट देख लो, वहाँ पे टोटल सीटें कितनी है, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी स्टूडेंट। सेकंड कॉलेजेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा में यहाँ टोटल सीट की बात करते हैं 44 सीटें हैं। थर्ड गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस गोपेश्वर चमोली में यहाँ पर टोटल सीटें जो है 44 सीटें अवेलेबल है। फोर्थ कॉलेजेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़, यहाँ पर टोटल सीटें आप देख सकते हैं 33 सीटें अवेलेबल है। गवर्नमेंट पांचों कॉलेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी जो सेकंड नंबर का टॉप कॉलेजेस होने वाला है, यहाँ पर टोटल सीटें की बात करते हैं 55 यहाँ पर सीटें रहने वाली है। सिक्स नंबर के कॉलेजेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज न्यू टिहरी, टोटल सीट की यहाँ पर बात करते हैं तो 44 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। सातवें गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल, यहाँ पर जो टोटल सीटें अवेलेबल है 66 सीटें अवेलेबल है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस है, टोटल बीएससी नर्सिंग में 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस है स्टूडेंट। अब जेएनएम की बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो जेएनएम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ध्यान देना स्टूडेंट जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जेएनएम के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। बीएससी नर्सिंग के लिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट जो जेएनएम में सीटों का डिवाइड होता है, मात्र 20% सीटें वाइस कैंडिडेट के लिए रहती है और 80% सीटें यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रहती है जेएनएम के लिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखना स्टूडेंट, तो बॉयज़ के लिए कॉम्पिटिशन अच्छा खासा यहाँ पे होने वाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, यहाँ पे जो टोटल सीटें उनके लिए रहने वाली है 44 सीटें रहने वाली है। मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मात्र 11 सीटें रहने वाली है। सेकेंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग रोशनाबाद हरिद्वार, यहाँ पे टोटल सीटें की बात करते हैं 52 सीटें यहाँ पे गर्ल्स के लिए अवेलेबल है और बॉयज़ के लिए यहाँ पे जो सीटें अवेलेबल है 14 सीटें अवेलेबल है।
बीटी पांडे स्कूल ऑफ नर्सिंग जो नैनीताल में एलोटेड है, यहाँ पे जो सीटें देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए 26 सीटें अवेलेबल है और मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मात्र 7 सीटें अवेलेबल है। आई होप यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएनएम के लिए मात्र आपके 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस होने वाले हैं और काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है स्टूडेंट, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की बात करें, जीएनएम की बात करें, एनएम की बात करें, पैरामेडिकल की बात करें, काफ़ी कम गवर्नमेंट सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। और ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बता दिया था कि फीस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वीडियो के लास्ट में उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। और मैं बार बार रिकमेंड करूंगा जिन स्टूडेंट ने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है, 24 मई से पहले आप अपना फॉर्म भर लेना स्टूडेंट। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियोज डाली है, तो वीडियोज आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट एनएम के रिगार्डिंग। एनएम के रिगार्डिंग एक चीज़ माइंडसेट में रखना है स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एनएम के लिए ओनली गर्ल्स कैंडिडेट ही एलिजिबल है, गर्ल्स के अलावा इस फॉर्म को कोई भी नहीं भर सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, फर्स्ट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून, यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं एनएम की 55 सीटें रहने वाली है। सेकेंड कॉलेज आप देख सकते हैं एनएम ट्रेनिंग सेंटर आपका जो उधम सिंह नगर में एलोटेड है, यहाँ पे जो टोटल सीटें आप देख सकते हैं 22 सीटें अवेलेबल है। थर्ड नंबर का कॉलेजेस आप देख सकते हैं एनएम ट्रेनिंग सेंटर जो आपका रानी पोखरी देहरादून में एलोटेड है, यहाँ पे आप टोटल सीटें देख सकते हैं 22 सीटें अवेलेबल है। फोर्थ कॉलेज में आप देख सकते हैं एनएम ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़, यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं 22 सीटें अवेलेबल है। पांचवें नंबर पे आप देख सकते हैं एनएम ट्रेनिंग सेंटर पौड़ी गढ़वाल जो आपका श्रीनगर में एलोटेड है, यहाँ पे टोटल सीटें देख सकते हैं 22 सीटें अवेलेबल है। छठे नंबर पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है एनएम ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा, गवर्नमेंट सीटें यहाँ पे देख सकते हैं 22 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं पैरामेडिकल के रिगार्डिंग। काफी कंफ्यूजन था पैरामेडिकल के रिगार्डिंग कि सर पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, ये भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। ध्यान देना स्टूडेंट, पहला जो कोर्सेज है यहाँ पे बीएससी इन एमएलटी, तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, ये ग्रेजुएशन कोर्स होने वाला है, 3 साल की इसकी वैलिडिटी यहाँ पे रहने वाली है, 3 साल का कोर्स रहने वाला है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं स्टूडेंट, पहला जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में एलोटेड है, यहाँ पे टोटल सीट की बात करते हैं स्टूडेंट, टोटल सीट यहाँ पे 33 अवेलेबल है। सेकेंड कॉलेजेस की बात करते हैं वी चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर गढ़वाल, जो टोटल सीटें यहाँ अवेलेबल है 33 सीटें अवेलेबल है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल, यहाँ पे जो टोटल सीटें अवेलेबल है 33 सीटें अवेलेबल है। चौथा जो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित ललित मोहन शर्मा पीजी गवर्नमेंट कॉलेज जो ऋषिकेश में अवेलेबल है, यहाँ पे टोटल सीटें की बात करते हैं स्टूडेंट 33 सीटें यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। आई होप बीएससी जो एमएलटी का कोर्स करना चाहते हैं उन स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो चुका होगा। ध्यान देना स्टूडेंट, पैरामेडिकल का कम जो पेपर है सभी के लिए एक जैसा बनने वाला है, चाहे इसके अंतर्गत जो भी कोर्सेज आते हैं एमएलटी जो आगे मैं डिस्कस और कोर्सेज की बात करूँगा, सबका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे तब वहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, इस चीज़ का मैं बार बार आपको डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट वीडियोस में। और ध्यान देना स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ग्रुप में जुड़ चुके हैं उनको मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। आई होप ये डाउट आप तमाम स्टूडेंट का क्लियर हो चुका होगा। अदर कोर्सेज की बात करते हैं स्टूडेंट, पैरामेडिकल में जो अदर कोर्सेज आपका होता है, पहला कोर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बीएससी इन एमएलटी। सेकंड कोर्सेज की बात करते हैं बीएमआरटी की, तो बीएमआरटी के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट दून मेडिकल देहरादून, यहाँ पे टोटल सीटें 16 सीटें अवेलेबल है। सेकंड कॉलेजेस यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो आपका श्रीनगर गढ़वाल में अवेलेबल है, यहाँ पे जो टोटल सीटें आप देख सकते हैं 33 सीटें अवेलेबल है। थर्ड गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल, जहाँ पे टोटल सीटें 33 अवेलेबल है। आई होप जो स्टूडेंट बीएमआरटी का कोर्स करने की सोच रहे हैं उनका गवर्नमेंट कॉलेज के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो चुका होगा। अदर कोर्सेज की बात यहाँ पे करते हैं जो पैरामेडिकल में अदर कोर्सेज आते हैं, 2 कोर्सेज के रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट। थर्ड जो कोर्सेज आपका आता है पैरामेडिकल के रिगार्डिंग हो कोर्सेज आपका आता है बीएससी इन ओटीटी, ये भी आपका 3 साल का कोर्स होने वाला है स्टूडेंट, ग्रेजुएट कोर्स होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जो पहला वाला जो मैंने कोर्सेज बताया स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्सेज था, थर्ड कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी इन ओटीटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं 16 सीटें अवेलेबल है। सेकंड जो कॉलेजेस आप देख सकते हैं वी चंद्र सिंह गढ़वाली जो श्रीनगर में अवेलेबल है, यहाँ पे टोटल सीटें आप देख सकते हैं 33 गवर्नमेंट सीटें अवेलेबल है। थर्ड नंबर पर यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल, यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं 33 सीटें अवेलेबल है। 3 कोर्सेज के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं पैरामेडिकल के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट। चौथे कोर्सेज की यहाँ पे बात करते हैं बीएससी ऑप्टोमेट्री जो आपका भी ग्रेजुएट कोर्स होने वाला है, यहाँ पे फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान देना है स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आपका कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है जो बीएससी ऑप्टोमेट्री का कोर्स करना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है स्टूडेंट, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो भी ये सब कॉलेजेस है सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं।
अदर्स कोर्सेज की बात करते हैं जो पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आते हैं, वो है आपका बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे भी आपके कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस एलोटेड नहीं है स्टूडेंट, इसलिए मैं इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको प्राइवेट से इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। जो पैरामेडिकल के रिगार्डिंग बीपीटी का कोर्सेज है, यहाँ पे भी आपका कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस एलोटेड नहीं है। आई होप ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रही होगी कि कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कितनी वहाँ पे सीटें एलोटेड है। आने वाले दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाने वाले स्टूडेंट, और बार बार मैं आपको कह रहा हूँ ग्रुप में ऐड हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, और प्रेस द बेल आइकन जो इस पर्सनलाइजेशन का जो ऑप्शन आता है उसे जरूर ऑन कर देना। अनदर क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।